बताइए इसमें कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? पेज नंबर 5 से। डायरेक्ट जाने के लिए इस सर्च बॉक्स में जाइए, 5 लिखिए और इंटर मार दीजिए तो चल जाइएगा पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पे आ गए और नीचे जाइएगा तो हो जाएगा पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 5 से पढ़ना है, साइलेंट हो जाइए। ए बाबू दिक्कत हो रहा तो उधर सर जाओ लास्ट में, चल जाओ उधर अंदर इस साइड बैठ जाओ, इसको इधर करो और उधर सर जाओ, उधर बला कर पाइजे है पर देखना। हाँ तो स्टूल आ गए भरे बैठा, इधर बैठ जाओ उधर, सबको दिक्कत होगा तुमको। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पेज नंबर 5 फ्रंट फेस। फ्रंट फेस की बारे में बात हो रही है बाबू, गौर कीजिए नहीं तो फिर आ जाइएगा। फ्रंट फेस, फ्रंट एक मूल टाइप फेस है जिसमें आपके शब्द प्रदर्शित होते हैं। फ्रंट के अनेक प्रकार होते हैं जैसे कि न्यू रोमन या एरियल। आप लोग ये सब यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे किए हैं ना, नहीं किए हैं तो देख लीजिए फिर से, फिर कहिएगा सर पढ़ाते नहीं है, सिर्फ खाली रीडिंग करके छोड़ देते हैं। ये है बाबू आपका फ्रंट, जो यहाँ पे आपको फ्रंट दिखा रहा है, इसी में आप जाएंगे तो एरियल दिखाई देगा। यहाँ पे एरियल है, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है। इस सब का नाम इसमें आपको खोल रहा है और समझा रहा है। देखिए यहाँ पे रोमन या एरियल अलग अलग अक्षरों की फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रत्येक फ्रंट परिवार का एक विशिष्ट तरीका होता है। यहाँ पे परिवार कर दिया, परिवार यहाँ पे दूसरा अर्थ नहीं समझ लेना है, समझ गए? परिवार का अर्थ समझता है, परिवार एक शब्द है। आपकी शादी होगी वो आपकी जो पत्नी आएगी उसको परिवार बोल सकते हैं। आपकी फुल फैमिली है 10 आदमी है उसको भी हम लोग एक परिवार बोलेंगे, ठीक है? जैसे हमने एक ग्रुप टाइप का भी मेंबर अगर मिला लिए तो वो एक परिवार हुआ, समझ गए? उसी तरह फंड में बहुत सारे फंड होते हैं तो सारे फंड को ग्रुप ना बोलकर हम उसको क्या बोलेंगे? परिवार बोलेंगे। आया समझ में परिवार? अब देखिए उपलब्ध है, उपलब्ध फंड की सूची देखने के लिए फंड फॉर्मेटिंग सब टास्क मेनू के अंतर्गत फंड नाम बॉक्स के दाईं ओर बने एरो पर क्लिक करें। मतलब फंड सब टास्क का मतलब होता क्या है, ये जो दिया गया है ना ग्रुप का सब टास्क कह रहा है, समझ गए? ग्रुपवा के जैसे हमने ग्रुप बनाए थे, फंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये सारे ग्रुप का नाम आपको बताया है कि नहीं बताया है? यहाँ पे स्टाइल दे रहा है ग्रुप, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दे रहा है, इसी को कह रहा है सब टास्क। यहाँ पे नामकरण चेंज कर दिया, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसको उंगाएगा जाके एग्जाम में। एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर जो बच्चा पैसा देगा तो स्टार्ट होगा, नहीं तो बंद। सिर्फ एक नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, 60 को क्वेश्चन, हर सप्ताह में एक बार एग्जाम होगा। जैसे एग्जाम एंड कीजिएगा सबका रिजल्ट आ जाएगा, कितना स्कोर कितना आया, समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग कराना हो अपना एडमिशन करा लीजिए। 1 मंथ का आपको आएगा 200 रुपया खर्च, 6 गो एग्जाम लिया जाएगा उसमें। अरे 6 गो 200 रुपया दीजिएगा तो 6 बार एग्जाम दीजिएगा ऑनलाइन, 60 60 गो क्वेश्चन, 6 गो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, समझ गए? ऑनलाइन एक एग्जाम सबके कहीं से भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ से यह निर्धारित करता है, देखिए यहाँ पे हमने देखे थे, यहाँ पे कह रहा है बॉक्स के दाईं ओर बने एरो पर क्लिक करें, आप जो भी फंड चाहते हैं उस पर जाए और माउस द्वारा एक बार क्लिक करके उस चयन करें। क्लिक करना जानते हैं कुणाल बाबू? तो यू नहीं जानते हैं क्लिक का मतलब क्या होता है, कल कहा है बोल रहे थे कि नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ पे फंड आकार यह निर्धारित करता है प्रत्येक अक्षर कितना बड़ा प्रदर्शित होगा। फंड आकार की माप पॉइंट इंच का 1/72 में की जाती है, ये ऑटोमेटिक रहता है जो फंड साइज में हमने क्लिक करते हैं। हम लोग नोट पैड से साइज पढ़ रहे हैं, फंड की साइज याद है या नहीं है?
आपको नोटपैड भी हमने खोल कर बता देते हैं, ये फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे फंड पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कितना तक आएगा, 72 तक। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सबको दिख रहा है, इसी के बारे में बोल रहा है कितना से कितना तक। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने कहा 1, क्या कह रहा है, 1 से लेके 72 तक, उसी का यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसको 1 से लेके 72 तक ऑटोमेटिक रख सकते हैं आप, इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, हर चीज करके दिखाते चल रहा है, आप लोग कीजिएगा, जहां दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा या फिर आप बताइएगा, हम आपको बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद दे रहा है, फंड आकार का मान प्रविष्टि करने के लिए फंड साइज बॉक्स के सफेद हिस्से पर क्लिक करें, जो सफेद हिस्से हैं उस पे क्लिक करें, या उपलब्ध फंड आकार की सूची देखने के लिए बॉक्स के दाईं ओर बने एरो पर क्लिक करें, जो दाईं ओर बना हुआ एरो है उस पे आपको क्लिक करना है। इन्होंने हमने जैसे मान लिया कि इस पे हमने क्लिक कर लिया, यहाँ है बाईं और दाईं, टॉप या बॉटम बोलिए कोई दिक्कत, एरो दिया गया है, इसमें भी एरो दिया गया और यहाँ भी एरो दिया गया है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जो भी होगा यहाँ पे ये व्हाइट कलर का दिया गया है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके हो जाएगा। दाईं ओर बने एरो पर क्लिक करें, आकार पर एक बाईं क्लिक करके उसका चयन करें, टेक्स्ट के अनुच्छेद के लिए 10 या 12 का फॉन्ट आकार सबसे बेहतर होता है। जब कोई ऐसे कीजिएगा, जब कोई खोलिएगा तो यही फॉन्ट साइज होता, 10, 12, 9, समझ गए। जैसे हमने इसको कट दिया, क्या किया बाबू, इसको कट दिया, अब इसको ऑटोमेटिक खोलेंगे तो फंड साइज कितना आएगा, 10 या 12, तो फंड साइज कितना आया, 10 या 12, इसके बीच में 11 भी आ गया, किसी में 9 भी रहता है कि नहीं है, तो इसी को इन्होंने बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फंड शैली, फंड शैली क्या है, फंड शैली निर्धारित करती है कि जब अक्षर प्रदर्शित होंगे, जब कोई टेक्स्ट लिखिएगा उसी के बारे में बता रहा है, प्रदर्शित होंगे तो उनका क्या प्रभाव होगा, उनका क्या प्रभाव होगा, प्रत्येक फंड को बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जब आप लिखेंगे या लिखने से पहले आप बोल्ड हाईलाइटेड कर लीजिए, इटालिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लिखिएगा तो ये तीनों चीज लगता चलेगा, चलता है कि नहीं चलता है। अब आप लोग को हमने पढ़ाए थे होम और इंसर्ट, अब बताइए आप लोग को 1.5 महीने से यही दोनों पढ़ाई में चल रहा है कि नहीं चल रहा, थोड़ी सी आपको आया उसमें फंडामेंटल, फंडामेंटल सुनने के बाद। हमने पहले भी बोले थे कि ज्यादा एमएस ऑफिस से इन्होंने क्वेश्चन पूछेंगे। ये है बोल्ड, क्या है बाबू, बोल्ड, बोल्ड हमने क्लिक कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तीनों लग गया। अब तीनों कर दीजिए, लिखिएगा तीनों लगते चलेगा, चल रहा, इसी के बारे में इन्होंने समझा रहा है। क्या ये आपने पहले नहीं समझा है? अब देखिए यहाँ पे फंड शैली, फंड शैली निर्धारित करती है कि जब अक्षर प्रदर्शित होंगे तो उनका क्या प्रभाव होगा, देखिए क्या प्रभाव होगा, तो प्रत्येक फंड को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने अभी करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अब देखिए यहाँ पे दे रहा है, अलाइनमेंट टेक्स्ट को पीस्ट के बाई केंद्र या दाई ओर अनलाइन किया जा सकता है। अलाइन, अलाइन तो आप लोग समझते हैं, अंडरलाइन के बारे में बोल रहा है, और इसे पूरे पीस्ट पर जस्टिफाइड किया जा सकता है। अनलाइन मतलब लेफ्ट राइट टॉप बटम, हमने कल की क्लास में हमने बताई थी, फिर भी आज की क्लास में हमने आपको फिर से हमने बता दे रहे हैं। जैसे हमने दो पैराग्राफ लिए, पैराग्राफ लेने के लिए कोडिंग है, अब जैसे यहाँ इंटर मारेंगे उसके बाद 2 या 3 पैराग्राफ आपको आ जाएंगे, जितने आप इसमें डाले रहेंगे उतना ही पैराग्राफ आपको मिलेगा। हमने ले लिया इसी को सजाने के लिए, लेफ्ट किए तो देखिए इधर से लेफ्ट से एकदम बराबर किया हुआ है, इसी का राइट करेंगे तो इधर से राइट से बराबर है,
इसी को सेंटर करेंगे तो दोनों तरफ पूंछ का लोग या छोड़ दिया, बीच में से ये लिखा आएगा भी बीच में से, जब भी हमको लिखना होगा तो कहाँ से लिखाएगा, बीच में से। अब उसी तरह इसको हम जस्टिफाई कर देंगे दोनों तरफ बराबर और इन्होंने बीच में छोड़ेगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमने देख लेते हैं नंबर और बुलेट सूची क्या होते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। बुलेट आप लोग को पढ़ाए थे, फिर हम आप लोग को दिखा देते हैं कि बुलेट क्या है। देखिए नंबर और बुलेट सूची, बाद में सूचियों को विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। इंडेंट घटाना बढ़ाना, इंडेंट का नाम सुने हैं आप लोग, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, उसी के बारे में इन्होंने बता रहा। पिस्ट के किनारे के संदर्भ में अनुच्छेद की इंडेंशन परिवर्तित करे, मतलब पिस्ट लास्ट और स्टार्टिंग में जो जगह छोड़ते हैं उसी को इन्होंने जगह ना छोड़कर इन्होंने बोला कि आप परिवर्तित करे, दे रहा है ना। इसके बारे में किनारे के संदर्भ में आप परिवर्तित कर सकते हैं। बाहरी बॉर्डर क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में जान सकती है, सारी चीजें बीबीआई चल रहे हैं, इसके बारे में जानना एकदम जरूरी है। बाहरी बॉर्डर टेक्स्ट चयन के चारों ओर बॉर्डर डाले, जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने इस सारी टेक्स्ट को हमने मिटा दिया और जैसे हमने यहाँ पे लिखा इस सब को मिटाकर हमने इसे फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब यहां से हमने लिखते हैं इसको सोनू, सोनू लिख दिए। अब इसका बॉर्डर साइज यहाँ से करना है, हमने पहले भी बताए थे आपको बॉर्डर लगाना, चारों तरफ से बॉर्डर लगा कि नहीं लगा, ये बताए थे कि नहीं बताए थे ना। देखिए यहाँ पे इसी के बारे में कह रहा, बाहरी बॉर्डर टेक्स्ट चयन के चारों ओर बॉर्डर डाले, डलाया कि नहीं डलाया, उसे बॉर्डर आप जिधर चाहेंगे उधर डाल सकते, ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों तरफ डालेंगे। इन्होंने बोला चारों तरफ तो ऑल बॉर्डर कर दिए तो चारों तरफ हो गया। अब इसमें राइट कीजिए तो राइट की तरफ लगेगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ लगेगा। अब यहाँ से हमने ये बॉर्डर रखे तो इस बॉर्डर को हमने ऑल किया तो ऑल लग गया, एक बार ऑल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑल बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, या फिर हम यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर मेरा खत्म हो जाए। अब इसको टॉप में करा था, टॉप में लगा, अगर हमको इसको बटम में लगाना है तो बटम किधर जाएगा बोलिए, तो नीचे जाएगा, तो बटम में नीचे लगाएंगे तो नीचे आ गया। राइट लगाना है तो राइट, लेफ्ट लगाना था लेफ्ट, हम एक बार में दो चारों तरफ लगा दिए, कोई दिक्कत उसी के बारे में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, आ रहा है कुणाल समझ में, बोलता है तू नहीं समझ में आता, दिमाग रखेगा तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे रंग हाईलाइट करे, रंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हम उसको क्या बोलेंगे रंग को, कलर, कलर हाईलाइटर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, यही ना होगा हो, कलर कैसे हम उसको कलर से हाईलाइटर करेंगे। अब देखिए हाईलाइटर का हम लोग नाम सुने हैं और किए भी होंगे, लेकिन इसमें क्या दे रहा है इसके बारे में थोड़ी चीजें हम लोग जान लेते हैं। रंग हाईलाइटर, रंग हाईलाइट करे, चयनित टेक्स्ट के पीछे का रंग परिवर्तित करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें। बटन पर प्रदर्शित रंग वह रंग होता है जिसका उपयोग पिछली बार किया गया था। किसी दूसरे रंग का चयन करने के लिए बटन पर बनी छवि के बगल में बने एरो पर क्लिक करें। ये छवि मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, एक नए शब्द है, बहुत आदमी छवि नहीं जानते हैं। छवि का मतलब होता है पिक्चर, फोटो, समझ गए। हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में छवि का मतलब कहता है कि इसका छवि कैसा है, तो इसका चरित्र, समझ गए, इसका संस्कार कैसा है, किस टाइप का आदमी है, उसके बारे में भी हम लोग इसको बोलते हैं। हेलो बोलिए, ठीक है आ जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे, यहाँ छवि का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर का हिंदी होता है छवि, फोटो, जो भी बोलिए। एक और चीज इसमें, दूसरी चीजें क्या दिए हैं, परिवर्तित करने के लिए विकल्प का उपयोग करें, यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब बटन, बटन तो भी समझते हैं हम लोग,
पर प्रदर्शित रंग वह रंग होता है जिसका उपयोग पिछली बार किया गया था। ये समझने वाली बातें हैं बाबू। इन्होंने कह रहा पिछली बार जो किया गया था वही रंग होता है, तो कहने का मतलब है हम लोग यूज भी किए थे, जो सिलेक्शन किए रहते हैं पहले बार वही सिलेक्शन रहता है। अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करके आप हाईलाइटर कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये है सोनू। कौन है? सोनू। अब देखिए इसको हाईलाइटर करना, यही छवि बना है जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइटर। क्या कलर? तो लोग का ध्यान कहाँ है? बोर्ड पे भी ध्यान देगा तो वहां समझ में आ जाएगा। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे इसको कलर। पहले से ऑलरेडी ये ब्लैक व्हाइट लिया है तो व्हाइट है। अगर मान ले कि हम इसको ये वाला कलर ले लिया, अब इसको हमने कर दिया तो क्या हुआ, इस कलर से हो गया। लेकिन अब इसको हम यहाँ से काट देते हैं। अब फिर हम यहाँ से खोल देते हैं। इसको हमने खोला, इसमें हम पहले ले चुके हैं। अब यहाँ से लेके हमने हरी, क्या लिखे? हरी। अब हरी को सिलेक्ट करो या ना करो, एक बार इस छवि पे क्लिक करो। छवि नु बोला है, इस पिक्चर पे क्लिक करो। हाईलाइटेड कलर जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है रंग हाईलाइटेड, यहाँ पे लिख रहा है हाईलाइटेड कलर लिख रहा है, तो इस पे क्लिक करो। यहाँ से इसको रंग दो। हमने कलर चेंज किया नहीं ना किया, पहले जो कलर लिए थे वही कलर है, यही बता रहा है पिछला ही कलर। अगर हम इसे चेंज करना चाहेंगे तो हम यहाँ से चेंज करके भी हम इसको कलर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हुआ या नहीं हुआ? आ रहा समझ में? सुनो बाबू, आ रहा? अब देखिए आगे इसको इन्होंने क्या बता रहा है। टेक्स्ट का रंग, यह विकल्प टेक्स्ट के रंग को परिवर्तित करता है। बटन पर प्रदर्शित रंग वह रंग होता है जिसका चयन पिछली बार किया गया था। इन्होंने टेक्स्ट का रंग, यह विकल्प टेक्स्ट के रंग को परिवर्तित करता है। बटन पर प्रदर्शित रंग वह रंग होता है जिसका चयन पिछली बार किया गया था। जो पहले भी हम चयन कर रहे थे व्हाइट टेक्स्ट कलर होता है कि नहीं होता है? किसी दूसरे रंग का चयन करने के लिए बटन पर बनी छवि के बगल में बने एरो पर क्लिक करें। हमने आपको बताए थे, इन्होंने बता रहा है टेक्स्ट का रंग। तो टेक्स्ट का रंग कहने का मतलब है यहाँ पे इन्होंने ब्लैक लिखा रहा है, हमने इसको यहाँ से हमने कर दिया क्या, इसको हमने रेड कर दिया। अब यहाँ से जो भी लिखेंगे वो क्या लिखाएगा, रेड लिखाएगा। अब इसको काट कर थोड़ी सी देख लेते हैं ये लागू होता है या नहीं होता है। इसमें ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा, उस पेजे पे सिर्फ लागू होगा, ठीक है, समझ गए? लेकिन ये वाले कलर इसमें लागू होगा। समझ में आया सब किसी को कि नहीं आया? अब देखिए फ्रंट डायलॉग बॉक्स क्या है। डायलॉग बॉक्स, डायलॉग समझते हैं? देखिए डायलॉग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई डायलॉग मारे उसे हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स का यहाँ पे नाम दूसरा, इसका इन्होंने बता रहा है कि डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स बनाया गया, जैसे ग्रुप, उस ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे मीनू आते हैं उसी को डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। किस डायलॉग बॉक्स के बारे में इन्होंने बात कर रहा है? फ्रंट डायलॉग बॉक्स, तो है ये फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स, इसको भी हम फॉन्ट डायलॉग्स बोल सकते हैं, ये सारे चीजें। अब चलिए आगे इन्होंने बताएंगे कि क्या क्या है इसमें। फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स का उपयोग कर आप विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आया? ग्रुप के बारे में इन्होंने बोला है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ग्रुप में हमारे पास बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है या नहीं है? फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, साइज भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है या नहीं है बाबू? देखिए विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग सब टास्क मेनू सबसे आसान तरीका है। यदि आप इस विधि द्वारा टेक्स्ट को फॉर्मेट
नहीं कर सकते हैं तो फ्रंट डायलॉग बॉक्स विकल्प का उपयोग करें। होम बटन आ गया, होम टैब सब टास्क का चयन करें और फ्रंट डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए सब टास्क मेनू के दाईं ओर नीचे स्थित एरो पर क्लिक करें। देखिए आया या नहीं आया, आया ना, इसी के बारे में इन्होंने बोल रहा है। ये बा फ्रंट बॉक्स डायलॉग बॉक्स आइल कहीं तो बताए हैं, जो पढ़ लेते हैं सब इसमें आ जाता है। बताया कि नहीं लाल मुनि, बताए हैं तो कहिया याद रखेगी, खाली चंदन टीका करेगी तो कहाँ से कुछ होगा। पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सुनाओ कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी से अब देख कॉपी देखने लगी, कंट्रोल जी से अभी तुमको पता नहीं है, गो टू होता है, नोटे पैड से तुम, हाँ अब बोल दिया तो सर गो टू होता है, हम ही को बता रही है। और कंट्रोल एच से क्या होता है, कंट्रोल एच, हाँ हाँ पूछ लो, हाँ बोलोगी तो पास नहीं की। रिप्लेस के बताओ क्या से होता है, कैसे पास होगी बेल्टन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है। हाँ वही बोले, हमने पहले शॉर्टकट बोल दिए फिर उसका आपको बताया, फिर भी आप नहीं पकड़ पाए। अब यहाँ से अभी शॉर्टकट बहुत याद करना है बाबू, आप लोग के लिखने के लिए भी दिए थे, ओकरा अलावा पढ़े के बा पढ़ाई होकर थोड़ा एब्सेंटी में। हम लोग देख लिए यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रेगुलर बोल्ड इटालिक कर सकते हैं, जो भी करना है वो। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू, चित्र 4.4 में दिखा दिए आपको यहाँ भी और वहां भी, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोलिए बताया जाए तुमको बाबू। कौन वाला हाई पढ़ले वाला हिसाब, अरे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इसे नहीं पढ़े हैं, हाई पढ़े हैं सब बताइए ना, पहले हम पूछ रहे हैं वो बताइए पढ़े हैं। आप एक दिन आए थे याद कीजिए, जिस दिन हम एमएस ऑफिस स्टार्ट किए थे, होम पढ़े थे या इंसर्ट पढ़े थे यहाँ तक याद है, तो आप लोग हाला किए थे रहने दीजिए, याद कीजिए, हमको याद है कि आप आके इस जगह बैठे थे। आया गजब हाला, औली एक साथ सबको मर्जिंग किए थे, अरे बेस्ट टाइम एक साथ सबको किए थे, 7 बजे 8 बजे दोनों वालों को तुम्हारे, अरे हाई सब पढ़ ले है, कॉप ओप बनाई ले है, हाँ बोलिए, अरे कॉप बनाने के जिस दिन क्लास करा उस दिन थी तो उसी दिन ये सब सिखाया है, एक टेबल भी है उसी दिन बताया थे, टेबल में 1 2 3 4 5 लेते हैं, याद आया, तो फिर उसी में आपको ये भी हम बताए थे, ये होता है आपको स्टाइलिश यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे फाइन रिप्लेस, ये सब बताए थे रिप्लेस के बारे में, गो टू के बारे में और फाइंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर भी बताए थे, कलर वगैरह ये जस्टिफाइड इंडेंट डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट, तो पहले ही वाला पढ़ा रहे हैं अभी, दूसरा नहीं है, उसी में ये भी पढ़ाए थे, फॉन्ट साइज बढ़ रहा है यहाँ से, ये भी करके हम बताए थे, यहाँ देखो बढ़ रहा है, ये बताए थे ना, तो हाइये सब जो पढ़ ले बड़ा जो है में बा, एक बारे में तो पढ़ो ही था, यू हम करके देख ले रही, ये चीज वो हमें फोटो दे दे ले बा देखा, अरे हाइये चीज वो जो यहाँ कर रही है ना, अरे हाई सिलिब्रेट लिख ले है, रेगुलर लिख ले है, बोल्ड बॉडी लिख ले है इसमें, ये चीज वो यहाँ है, बॉडी यहाँ लिख ले है, यहाँ तू पढ़ रही है, यहाँ दिखा रहा है बॉडी,
सब दिखा रहा है, यही चीज आपको वहां भी है। अब उसी चीज हुआ कि हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखा रहा है, आया यहाँ पे फोन, इसी को एडवांस में देता है। एरियल आया इसमें, आप एरियल यहाँ से होके कि जा गया एरियल इसमें, आप यहाँ से बॉडी कर देते हैं इसका, चाहे यहाँ पे से लिबरेट कर देते हैं भाई बॉडी बॉडी। अरे इसी को उसमें दे देले है, तो यह चीज हुआ कि उस बॉक्स में दे देले। हमने आपको पहले क्या पढ़ा है कि अगर आप चाहते हैं तो टास्क बार दे रहा है सब टास्क, वहां से कीजिए इसको सब टास्क कीजिए, या यहाँ पे दे रहा बॉक्स, क्या बोल रहा था ना वो, अरे आचरण हमने बताया था ना किसी एक कैरेक्टर छबी, छबी बॉक्स, इसी का नाम दे दिया छबी बॉक्स। आप वहां से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। आया समझ में? उसी के बारे में यहाँ पे दे रहा। आप देखिए फॉर्मेट पेंटर पढ़ाई ले है कि ना पढ़ाई ले है, लाल मुनि तो सब भोर पर आ गए है लीची खाका के, क्या हुआ है फोन बजा रहा है, गाना हो मार के लाए गाना सब झारने बंद कीजिए। अब यहां से देखेंगे फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का आसान तरीका है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का आसान। अब फॉर्मेट वो फॉर्मेट नहीं समझेगी, ये को फॉर्मेट होता है जैसे मोबाइल को फॉर्मेट करते सारा डाटा फाटा सब खत्म हो जाएगा, अरे होता है कि नहीं होता है, ये हो तो लोग जानेगी तब ना पता नहीं। अब फॉर्मेट भी करना उसी को बोलते हैं, मेमोरी को भी फॉर्मेट कर देगी तो सारा मेरे खत्म हो जाए, अरे उसी के बारे में बताया था वो फॉर्मेट देख ले लो। अब यहाँ टेक्स्ट पर आवा था नहीं चल गया है, पढ़वे ना कल चले कुछ के चल गया हूँ। तुम्हारे जैसे एक आदमी था उसके सामने उसको सोना दिया गया ना, तो सोनवा नहीं ले रहा था, कहा कि सुनो ना, तो उस सोना को बोला कि सोना ले लो, सोना सबसे कीमती चीज होता है, कोई कोनो चीज की कमी नहीं होगा। तो उसी पे वो कहावत है कि सोना दहाल जाए या कोयला पे छापा, से आया जब तुमको सोना मिला उसको तू दे ही नहीं रहा, चल रही है कोयला पर। अरे फॉर्मेट करना वो कौन बार का चीज है, वो कौनो कर देगा तो चाहे बच्चों कर देगा फॉर्मेट, डिलीट कर दिया वही फॉर्मेट हो गया, वो तो सुनवा बता देगा फॉर्मेट करना, करता नहीं है वो, मोबाइल में लगा के मार देगा फॉर्मेट। क्या सब कोई नहीं करता है? मेमोरी लेकर आना, आईयूएसबी ड्राइव इसमें लगाने वाला लेकर आना फॉर्मेट करने के लिए, बता हाँ तो जानता है था। अब देखो तो मोबाइल अपना लेकर मोबाइल का सारा डाटा फॉर्मेट कर देगा खत्म हो जाएगा, कौन सी में डालने वाले फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने के बारे में ना सीखना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का आसान तरीका है जो क्लिपबोर्ड का सब टास्क मीनू के अंतर्गत होम टैब पर स्थित होता है। आ गया सब टास्क ग्रुप के बारे में बोल रहा है। उदाहरण के लिए यदि आपने एक पैराग्राफ के शीर्षक को किसी फॉन्ट फेस आकार और शैली में फॉर्मेट किया है और आप किसी दूसरे शीर्षक को भी समान रूप से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको नए शीर्षक के प्रत्येक गुण मैन्युअली रूप से डालने की आवश्यकता, एक एक कीजिएगा तो टाइम लगेगा, इस बार में एक के बार में हो जाएगा, आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय निम्न चरणों का पालन कर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करें। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कर्सर को उस टेक्स्ट के बीच में रखे जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। कर्सर को उस टेक्स्ट के बीच में रखे जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट के बराबर करना है ना, जिस टेक्स्ट के समान, मान ली वो बढ़िया टेक्स्ट लिखा है रंग लगा है तो ओकरा समान निचला वाला को करना है, तो उसमें जाके कर्सर को रखिए या सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लिए कि हाई हमारा टेक्स्ट हुआ, ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्या किए, कलर कर दिए या फिर हम इसको थोड़ी सी साइज को बढ़ा दिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है, और नीचे लिखते हम यहाँ से इसको नीचे प्रिंटर मार दिए, और इसको हम यहाँ से
हो गया। अब इसके बराबर में करना है, अब यहाँ से फॉर्मेट कर लेंगे। अब फॉर्मेट करने के बाद अब इसको सीधे यहाँ तोड़ दीजिए, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट। नहीं समझ में, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ कहीं क्लिक कर दीजिए इसके सामान का, फॉर्मेट पेंट अब ये तो अभी हो गया, इसका कॉपी हो गया। अभी पेस्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं आ समझ ए खड़ा होगा पीला टी शर्ट वाला ब्लैक शर्ट दाढ़ी में के साड़ी लगा खड़ा होगा। गाना सुना है तो सुना, रौनक तो सुना होगा, भले नहीं कहेगा। दाढ़ी में खेसारी लगी, चलो ए बताओ ये कैसे हुआ। पढ़ा रहे तो उधर दिमाग अलग लग ले है। अभी डांटा हम चार्ज करते हैं।